अस्सलाम वालेकुम जानिश, कैसे हो? वेलकम बैक हो गया आपके अनदर व्लॉग में। यार आज का सीन ये है कि भाई हमारे, मैं आज बड़ा खुश हूँ, क्या बताऊँ, हमारे बहु होशा मैं एक सब्सक्राइबर ने पिंडी से मुर्गियाँ भेज दी है, ठीक है। तो अभी मैं बस जा रहा हूँ लेने अंकल के साथ, तो चल के आपको दिखाते हैं सारा सीन, ठीक है। तो बड़ा खुश हूँ मैं, देखते हैं आप उन्होंने कौन सी भेजी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे से कॉन्टैक्ट किया, कोई तस्वीर वगैरह नहीं भेजी। उन्होंने कहा गिफ्ट आपके लिए, पैट है। आप मुझे भी खुद ये भी कन्फर्म नहीं है कि मुर्गियाँ हैं या क्या है। उन्होंने कहा है पैट भेजा आपके लिए, आप पैट पता ही क्या है। जाते हैं देखते हैं क्या बनता है। और बाकी अभी मैं छत पे हूँ मुर्गियों वगैरह के पास, धूप ऐसे लिए अंदर है, तो अभी चलते हैं और फिर चल के आपसे वहाँ पे मिलते हैं। हमारी चूजे हैं, ठीक है। इनमें रात में एक मर गया, क्योंकि ये जब आपस में सोते हैं ना तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं नीचे देख के, तो इस वजह से वो कहीं मर गया। एक वो बैठा हुआ है, पता नहीं, वो भी ठीक है, हैं अभी सारे एक्टिव। उनको वापस आके ना, अभी जा रहे हैं हम लेने, वापस आके इनको धूप में छोड़ते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अभी फटाफट अपना गिफ्ट उठा के लाते हैं। एक और अंडा आया भाई, ठीक है। ये देखो अंडा मिल गया हमें, एक और बिल्कुल साफ सुथरा अंडा, ठीक है। और अभी बाकियों को भी देखते हैं कि बाकियों ने दिए गए हैं या नहीं। ये तो देसी मुर्गियों ने दिया, देखते हैं किसी ने दिया भाई नहीं। अभी नाम आ गए, ठीक है। इधर पिंडी रोड पे खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी गाड़ी वाला आ रहा है, पता नहीं कब आता है, 10 मिनट तक तकरीबन पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो लेते हैं गिफ्ट फिर घर चलते हैं। देखिए अभी मेरा दिल है तो सामने जाके खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से तो उसको नज़र नहीं आएंगे। आप जाते हैं ज़रा उस साइड पर, फिर लेते हैं मुर्गियाँ वहाँ से। खड़े हुए हैं भाई साहब, अब देखो क्या सीन बनता है यहाँ पर। दोनों ये दूसरी भी नहीं काटती, दूसरी बेपत्ती नहीं, जिंदा भी है ये नहीं। इसके पर काट दी फिर मिलते हैं, छोड़ दी है मुर्गियां यहाँ पे, ठीक है। ओहो ये तो डरती रहता है हर वक्त, ठीक है। ये देखो ये रही एक, और एक वो है अंदर, पानी शानी पी लेंगी खुद ही, क्योंकि गर्मी में आई है भाई, और ऐसे बंदी भी थी तो सेट हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में, हिल जाएंगी, बाकी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिलहाल नीचे, रोज़ा कुछ खा पी भी नहीं सकते, बहुत बड़ी लग रही है यार। ये बच्चे मुझे तंग कर रही हैं, क्या करूँ इनका। चलो जाते हैं नीचे फिर मिलते हैं। तो यार पतंग उड़ाया हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो घर आए हूँ मैं थोड़ी देर पहले अकेडमी से, और चूहे वगैरह भी वहाँ पे खोले हुए हैं सारे, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे पिंजरे के पास पीछे घूम रहे हैं। तो अभी एक पतंग काट चुके हैं, ठीक है। अभी मेरा दिल है पतंग उतारूँ, बाकी ये घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सारे इधर घूम रहे हैं। तो इसको पतंग उतारते हैं, ये चलते हैं, सारी का भी टाइम होने वाला है। बाकी थैंक यू जिन भाई ने हमारे लिए पिंडी से गिफ्ट भेजा है सब्सक्राइबर में, ठीक है। तो अभी चलते हैं नीचे और फिर चल के नीचे आपसे मिलते हैं। तो यार आज हमारे घर में, ठीक है, बन रही इफ्तारी, साथ साथ सही है। ये देखो बर्तन वगैरह अलग नहीं है सारी, हम मतलब ऊपर दोनों पोर्शन की इफ्तारी आज एक साथ होगी, ठीक है। तो अभी जी बस खाने शाना लग रहा है बिल्कुल एकदम मस्त, सारे चेक करो आप, ठीक है। और ये आना भी बैठी है, और आपको आज एक और चीज़ दिखा देते हैं, अगर बाकी कुछ टाइम तक दिखाएंगे। आना के भाई भी आया हुआ, ठीक है। ये देखो आना का छोटा सा भाई भी है, वो आपको बाद में दिखाएंगे किसी टाइम फिर, ठीक है। तो अभी किचन में चल के देखते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। मैंने चप्पल पहनी है, किधर से जाऊँगा, इधर से ही हो जाता हूँ, इस तरह से आए जाते हैं और आपको दिखाते हैं। यार यहाँ पर बांध रहे हैं जी पकोड़े, ये रहा पकोड़ों का मसाला, ये बना रही हैं मामा पकोड़े, इधर पड़े हैं रोल, समोसे वगैरह नहीं वो आज पैर्स आएंगे मेरे लिए घर में बना देने, चिकन वाले या बने भी नहीं, क्या बने भी नहीं, आज बने भी नहीं। अच्छा बने हुए नहीं, यार ये चीज़ें वगैरह बनती हैं। ये क्या कहाँ से आया, ये किधर से आया, गाड़ी बनाई, इतना डेकोर बा। तो अभी सारी देखिए फिर मिलते हैं, क्योंकि भाई अब मेरी बात हो रही है फिलहाल, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी, थोड़ी देर रेस्ट मारते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं इफ्तारी के वक्त। तो यार इफ्तारी करके आपको भाई आ चुका है रूम में, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाने लगूँ, सही है, आपको चीज़ को दिखाता हूँ कि मैंने लाइट से गई रूम में, बस लाइट ऑफ करते हैं भाई फिर आपको दिखाता हूँ।
आर यू गाइस रेडी? ये देखो भाई साहब, क्या कूल लुक का आ रहा भाई, क्या बात है, क्या कमरा देखो कहीं, इतना तो पता ही नहीं लग रहा इसमें। हाँ अभी सही दिख रहा है, वोनिक्स देखो कितना प्यारा लग रहा है टीवी। ठीक है तो यार आज आठवां रोज़ आ रहा है भाई साहब, दूसरे रोज से डायरेक्ट आठवें रोज में छलांग लगाई हुई। ठीक है कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, कुछ दिल नहीं किया भाई, मैंने वादा तोड़ दिया अपना डेली ब्लॉगिंग का। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है भाई, पेपर हो रहे थे आपके बाइक के प्री बोर्ड जैसे तो आपको बताया, और अब आगे आज ट्यूसडे है, फिर अगले ट्यूसडे को हैं जी बोर्ड के पेपर। तो यार ये कोई 3 दिन का ब्लॉग जोड़ के बनाए, 5-6 मिनट का ब्लॉग बनाए, बहुत मुश्किल होती है यार। और ये रही हाना, हेलो कर लो। अच्छा आप बताएं ना, कौन से स्कूल में आपके एडमिशन हुआ है? नहीं पता कौन से है, आपको पता होगा ना। तो यार आनिया जब स्कूल में एडमिशन करा रही, क्योंकि अभी बड़ी हो रही है तो फिर तालीम सबको जैसे मिलती है, तो हम आनिया ने भी अब स्कूल जाना है आहिस्ता आहिस्ता आगे से। ठीक है तो क्या कहना चाहेंगी हमारे नाजरीन को? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बेइज्जती कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी यार इस ब्लॉग को वहाँ पर ही करते हैं एंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।